फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल शेरवानी कोट पैंट थ्री पीस बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने हजार खोली मालेगांव प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार मानवता के हक में। मालेगांव शहर में 1 अप्रैल को जो यात्रा निकली, हमेशा से ये गढ़ की यात्रा अमन के साथ निकलती थी, भाईचारगी के साथ निकलती थी, मगर पीछे हम देख रहे हैं कि 2-3 साल से जानबूझकर कुछ सरपसंद अनासिर जो सियासी हैं, जो मालेगांव आउटर के बड़े लीडर हैं, उनके लड़के इस तरफ से 40 गांव फाटे पर जाते हैं और जब उस तरफ से आते हैं तो ऐसी हरकत होती है जिससे शहर के हालात, जो पुरअमन हालात है, वो ख़राब हो। और ऐसा ही वाक़या 1 अप्रैल 2023 को हुआ। हमने उस वक्त ही कहा कि ये जो तरीका कार है इस तरफ से उस तरफ जाने का, ये हमारी समझ में नहीं आता, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। 4 दिन के बाद पुलिस ने FIR लिखी, मगर उस FIR में या तो जानबूझ के गलती की गई या उनसे अनजाने में गलती हुई हो, जो भी गलती हुई, इस तरह की FIR थी कि साकरी के बजरंग साउंड पर जो FIR की गई थी वो गलत थी, क्योंकि साकरी के जिस मालक का नाम था उसने उसका अपोज किया कि मैं रात में, मेरा वहाँ पर साउंड नहीं था, मैं दिन में ही मालेगांव क्रॉस कर चुका था। हमने उस वक्त वो पूरी FIR का पंचनामा आवाम के सामने किया। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि पुलिस कानून के दबाव में काम करे। कोई भी एजेंसी है वो कानून से बड़ी नहीं है, कानून ही सबसे बड़ा है और कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। और हमने उस वक्त तो उसमें पूरी डिटेल दी कि पुलिस किस तरह से गलत तरीके से FIR रजिस्टर की है, उसे क्लियर करे। और इसी के साथ साथ हमने 17 तारीख को महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक मुंबई, उनको जाकर मिलकर लेटर दिया और उसमें हमने डिटेल लिखी कि यार इस तरह से FIR की गई है जो कि गलत है, और उसमें 153A, 295 और 120B प्लानिंग ये लगना चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो 27 अप्रैल को 3 लोगों को अटक किया गया, 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली, आज उनको वापस हाजिर किया गया और उनको मजिस्ट्रेट कस्टडी हुई, और उसी के उसमें हमने आज मैंने खुद इंटरवीनर हुआ एडवोकेट अजीम खान साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब के थ्रू मैंने बेल एप्लीकेशन अपोज हो और जज के सामने उस वक्त क्या हुआ था, क्या वीडियोज़ हैं, क्या फ़ोटोज़ हैं, वो सबके सब जज साहब के सामने आना चाहिए, इसलिए इंटरवीनर हुआ। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अभी सुप्रीम कोर्ट का करण का मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि यार हेड स्पीच और इस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके कोई चीज़ जो भी लोग कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और उसी में ऐसा भी कहा गया कि अगर इस तरह की कोई हरकत की जाती है तो कोई आम आदमी भी उस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है। मैं मालेगांव के शहरी होने के नाते और इस तरह का वाक़या दोबारा ना हो, इसलिए हम जिस तरह से कानूनी लड़ाई है वो भी लड़ रहे हैं और ऊपर जाने की बात होती है वो भी करते हैं। हमारा मकसद है कि ये शहर में अमन रहे, पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे और इसके बाद किसी भी किस्म की इस तरह की सरपसंदी ना हो जिससे शहर के हालात ख़राब हों। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि इस शहर में ना ही सियासी दबदबा बचा और ना ही पुलिस का दबदबा। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि शहर में आवाम का दबदबा रहे, शहर में पुलिस का दबदबा रहे, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। जो भी लोग इस मामले में हैं, वीडियो में जो लोग पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, उन सबको अटक होना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों को आज हमने कानूनी पंजे में नहीं पकड़ा या कानूनी पंजा उनके ऊपर शिकंजा सख्त नहीं किया तो कल उनकी और हिम्मत खुलेंगी। और इस पूरे मामले में जो पुलिस ने बाद में ऐड की है कलम 120B और 153A, तो 120B जो है ये कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग किसने की, किस सियासी लीडर के बेटे ने उससे 4 दिन पहले किस तरह के पॉम्पलेट व्हाट्सएप पर चलाए, किस तरह से यहाँ से 40 गांव फाटे पर गए, ये सारी चौकसी होना चाहिए। जो बजरंग साउंड है जिसके 10:05 पर उस तरफ से आने के बाद
ये पथराव और दूसरे वाकयात हुए उसमें कई दुकानों पर पथराव हुआ, कई लोग ज़ख्मी हुए। तो इन सारे मामलात में जो प्लानिंग किया है, जिसने बजरंग साउंड को पैसा दिया है, मैंने इससे पहले भी बोला कि 12 नवंबर के मामले में जिस अब्दुल रहीम पुकारे वाले को 200 रुपया दिया गया था उस पर भी कार्रवाई की गई थी, और बजरंग साउंड को 20,000 रुपया किसने दिया उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, और इस पूरे मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी मैं ये बात मानता हूँ कि पुलिस ने जो कलम ऐड की है 153A और 120 भी, ये इसके लिए मैं पुलिस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अगर पुलिस कार्रवाई सही ढंग से करे तो हमारी पुलिस से कोई लड़ाई नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एजेंसियाँ कानून से बड़ा किसी को ना माने, और कानून ही सबसे बड़ा है यही माने, और इस शहर में अमन रहे। इसके लिए आगे इस तरह की हरकत ना हो हम कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश का ये नतीजा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में अभी 3 लोगों को अटक किया गया। और हम पुलिस से यही गुजारिश करेंगे कि आगे भी इस मामले में जो जो लोग भी शामिल हैं, जो पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से इस पूरी साजिश को अंजाम दिए हैं, उन सबको अटक किया जाए। तो पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने ही ये बात बोला कि यार इंतज़ामिया की कार्रवाई बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं अगर ये सब हम नहीं किए होते तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कोई भी जो ये आज कार्रवाई हुई है, जो कलम ऐड हुई है, वो भी हुई होती। मैं बोल रहा हूँ कि शहर में कानून का दबदबा भी कम ना हो, और सियासी दबदबा तो ख़त्म हो गया है, उसी को बढ़ाने के लिए और वो कायम रहे इसकी ही कोशिश हम हर वक्त करते रहे हैं, ताकि आवाम का दबदबा इस शहर में कायम रहे। से ज़्यादा हसास मामला क्या हो सकता है कि कुछ लोग प्लानिंग के तहत आकर हम पर पत्थर मार के जाते हैं, हमारी दुकानों को तोड़ते हैं, इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हैं, गालियां देते हैं, उसके बाद भी लीडरान अगर चुप है तो ये बेशर्मी की इंतहा है। 1 अप्रैल के दिन जब देवी की यात्रा मालेगांव शहर होकर जा रही थी, उस वक्त आगरा रोड पे बस स्टेशन के करीब पर जो हादसा हुआ था, मुस्लिम लोगों की दुकानों पर जो है पत्थर फेंके गए, उस वाक्य को लेकर जो है पुलिस ने 5 अप्रैल को FIR दाखिल की थी। 427 राइट के सेक्शन वगैरह के हिसाब से पुलिस ने फरियाद दाखिल की थी। आज उस केस में जो है पुलिस ने 3 आरोपी को गुना नंबर 62/2023 में 2 दिन पहले कोर्ट में हाजिर किया था। उस वक्त पुलिस यहां पे जो मौजूद जज साहब है निमसे साहब ने उनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी। आज उनको दोबारा कोर्ट में हाजिर किया गया, पुलिस की जानिब से आज उनको MCR की रिपोर्ट के साथ हाजिर किया गया, और उनके वकील ने जो है उसमें बेल अप्लीकेशन, तीनों आरोपी को छुड़ाने के लिए बेल अप्लीकेशन दाखिल की है। आज हमने उसमें जो है हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान, उनके तवस्सुत से मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी साहब जो है उसमें हमने इंटरविनल का अप्लीकेशन जो है दाखिल किया है। हम उसके अंदर जो है उनकी बेल अप्लीकेशन है वो अपोज कर रहे हैं, क्योंकि पहले पुलिस ने इसके अंदर 153A और 120B की जो कलम है वो लगाई नहीं थी। मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने जो है महाराष्ट्र के जो IG है उनके पास तकरारी अर्ज दाखिल की थी कि पुलिस को इसमें 153A और 120B लगाना चाहिए, तो वहाँ से जो भी आदेश आया होगा तो पुलिस ने जो है बाद में इसके अंदर 153A और 120B की कलम ऐड की है। तो आज उनकी बेल अप्लीकेशन में जो है हम इंटरविनर बोल के हम उसमें हाजिर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह दोपहर में अगर उसकी सुनवाई होती है तो हम उनकी बेल के लिए अपोज करेंगे।